हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ना तो न्यूट्रिशन की, ना तो एक्सरसाइज की, बट मूवीज की कि भाई कौन से मूवीज लॉकडाउन के दौरान हमें देखने चाहिए। ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है बिकॉज आई लव मूवीज। मुझे मूवीज देखना बचपन से काफ़ी पसंद है, तो मैं आज पहली बार इस तरह का कुछ वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आप लाइक करेंगे। अब इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है इंग्लिश मूवीज, एक है हिंदी मूवीज। मूवीज ऐसे होंगे कि जो आप जनरली आपने देखे नहीं होंगे और यूनिक होंगे, तभी इसकी आपको वैल्यू होगी और तभी आप इन मूवी को देख के एक्चुअली सरप्राइज होंगे। आपको रिपीट भी नहीं करने पड़ेंगे और ट्रस्ट में ये सारे मूवीज ऐसे ही कि जो आपने नॉर्मली नहीं देखे होंगे। तो पहले चालू करते हैं इंग्लिश मूवीज। अब जो पहला इंग्लिश मूवी है वो एक चोरी का मूवी है और उसका नाम है ओशंस। अगर हम सिंपल बात करें तो कॉन मैन मूवी है कि भाई जहाँ पे 11-13% की टीम होती है कि जो एक कैसीनो लास वेगास के अंदर चोरी करती है और $500 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक की चोरी होती है। ये मूवीज बहुत यूनिक इसी की वजह से है बिकॉज यहाँ पे ब्रैड पिट बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्टर है इसके अंदर, और उसकी एक्टिंग बहुत जानदार है और साथ में जितने भी और एक्टर्स हैं उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। जो छोटी छोटी ट्रिक्स जो हमें लगता है कि वे चोरी कैसे करते होंगे इतने लोगों के सामने, वो देखने को मिलती है। तो बहुत ही यूनिक है ओशंस 11, 12, 13, तीन पार्ट है इस सीरीज के, तो ये आप ज़रूर से देखें, बहुत अच्छी मूवी है। अब हम बात करेंगे द डा विंची कोड भी एक बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आपको आर्कियोलॉजी और पुरानी चीज़ों के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है तो आपको ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। ये मूवी और ओशंस 11, 12, 13 दोनों मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे थर्ड मूवी जिसका नाम है नाव यू सी मी। इसके भी दो पार्ट है, नाव यू सी मी एंड नाव यू सी मी 2। अगर आपको मैजिक ट्रिक्स की मूवीज पसंद है तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है मैजिक ट्रिक्स के लिए। ये भी आपको देखनी चाहिए। इसमें मैजिक ट्रिक कैसे की है वो भी दिखाते हैं और मैजिक ट्रिक ऑब्वियसली मैजिक ट्रिक जो हमें एक्चुअली सोच में डाल दे कि भाई ये कैसे किया होगा उन लोगों ने, तो ये भी दिखाती है। तो पहले मैजिक ट्रिक और फिर उसका कैसे किया उसका रीज़न, ये दोनों चीज़ें दिखाती है, इसीलिए ये बहुत ही स्पेशल मूवी है, तो ये भी आप देखना ना चुके। इसके बाद अगर आपको हॉरर एक्शन मूवी पसंद है तो रॉन्ग टर्न, इसके पांच पार्ट 6 पार्ट है जहाँ पे रॉन्ग टर्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 6 सीरीज में डिवाइडेड है। ये मूवीज़ भी बहुत अच्छी है और ऐसे लोग कि जो इंसान को खाते हैं उसके ऊपर एक मूवी है। एक वर्ड ऑफ कॉशन कि अगर आप ये देखिए तो अकेले देखिए बिकॉज एडल्ट मूवी है और इसमें कुछ सीन ऐसे है कि जो आपको काफ़ी विचलित कर देंगे। तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मूवी और गुड मूवी अगर आपको हॉरर और एक्शन दोनों पसंद है तो। इसके बाद दी 18 मिलिट्री बेस्ड मूवी है। चार लोगों की टीम होती है, अमेजिंग टीम है, और ये चार लोग एक मिशन पे जाते हैं और मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। ये भी बहुत अच्छी मूवी है, फन है, एक्शन है, कॉमेडी है। ये भी एक बहुत अच्छी इंग्लिश मूवी है और ये भी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। तो पांच मूवीज़ ऐसी है कि जो जनरली बहुत ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टरशिप, वन ऑफ द बेस्ट उसके सीन्स, मतलब बहुत ही इन शॉर्ट 5 out of 5 star वाली मूवीज है सारी, लेकिन आपने कभी देखी नहीं होगी तो ये डेफिनेटली मूवीज देखें एंड कमेंट में लिखिए कि भी आपको कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी।